Good morning students. From today we are going to start your English compulsory. Or in that English compulsory, I am going to start at first your grammar. In grammar, we have a topic in the beginning, and that topic is determiners. Determiners. That topic is determiners. Today we will discuss about determiners. First of all, we will just find out what is determiners, what is the meaning of determiners, what is the use of determiners. Now look at the board. Determiners. Here we have the word determine, determine plus rs. What is the mean of determine? In Hindi, the mean of determine is nishchit ya sunishchit karna, and that r, that is a suffix. ये आपका एक सफिक्स होता है आ. सफिक्स का मतलब आपका हो जाता है प्रत्यय. क्या हो जाता है? प्रत्यय. और ये जो आपका प्रत्यय होता है, इसका मतलब होता है डूअर, यानी कि करने वाला. आप देख सकते हैं कि डूअर जो हमने लिखा है उसमें ई आर और आ आते हैं, यानी कि किसी कार्य को करने वाला. तो डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स. Determine आपकी एक वर्ब होती है. इट मीन्स निश्चित करना या सुनिश्चित करना. आर एस, दैट इज द डूअर, यानी कि करने वाला. तो सेंस क्या निकल के आया? तो मीन क्या निकल के आया? तो मीन हमारा क्या कहता है कि द वर्ड, यानी कि वह शब्द विच, जो कि कम्स, आते हैं बिफोर अ नाउन, किसी एक नाउन से पहले आते हैं, एंड और डिटरमाइन इट, और उसे क्या कर देते हैं? सुनिश्चित बना देते हैं, इस कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं अपने? दैट इज डिटरमिनर्स. वो आपके डिटरमिनर कहलाते हैं. ठीक है, तो वो शब्द जो कि किसी एक नाउन से पहले आते हैं, उस नाउन को डिटरमाइन यानी निश्चित कर देते हैं. निश्चित काय में करेंगे? या तो संख्या में करते हैं, या गुणों में करते हैं, या मात्रा में करते हैं, या आकार और प्रकार में निश्चित बनाते हैं. तो वो शब्द जो कि किसी नाउन से पहले आते हैं और डिटरमाइन कर देते हैं, उस नाउन को निश्चित बना देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर कहलाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा. आई हैव अ ब्लू पेन. ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई हैव अ ब्लू पेन. अब यहाँ जो आर्टिकल ए आ रहा है, इस ब्लू पेन को डिटरमाइन कर रहा है. क्या कर रहा है? ये ब्लू पेन को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि इसे निश्चित बना रहा है. कायम निश्चित बना रहा है, एन नंबर, यानी कि संख्या में सुनिश्चित बनाते हुए. काय में सुनिश्चित बनाते हुए? संख्या में सुनिश्चित बनाते हुए. तो आई हैव अ ब्लू पेन, यहाँ आर्टिकल जो ए आपका यूज हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि वो डिटरमाइन कर रहा है पेन को, और वो डिटरमाइन काय में कर रहा है? नंबर में डिटरमाइन करते हुए है. एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं कि शी हैज a little time to prepare for examination. She has a little time to prepare for examination. Examination को तैयार करने के लिए उसके पास थोड़ा बहुत समय है. यानी कि a little, देखिए यहाँ आपका जो नाउन है वो आपका क्या है? टाइम. उसको यहाँ डिफाइन किया जा रहा है, उसको डिटरमाइंड किया जा रहा है, सुनिश्चित बनाया जा रहा है. टाइम को मॉडिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा? अ लिटिल के द्वारा.
तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा दैट इज डिटरमिनर। ठीक है, तो वो वर्ड जो नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन को डिटरमाइन कर देते हैं, वो आपके डिटरमिनर कहलाते हैं। ये आप याद रखना कि जो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, कौन से जो कि नंबर को दिखाएं, वो एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटी क्वांटिटी को शो करते हैं यानी कि मात्रा को, वो एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव भी आपके क्या होते हैं, वो डिटरमिनर के रूप में यूज़ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की। यहाँ बात की जाएगी आपकी टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, यहाँ टाइटल है तो डी कैपिटल। कितने तरीके के डिटरमिनर यूज लिए जाते हैं, कितने तरीके के डिटरमिनर जो हुए हैं वो हमारे इंग्लिश में इंक्लूडेड हैं। तो देखिए, टाइप्स की बात करें तो यहाँ मैं आपको दूंगा एट क्यूनेप। नाउ यू विल आस्क सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एट क्यूनेप, ए डी डी क्यू एन आई ऑफ पी, एट क्यूनेप, ये डिटरमिनर के टाइप्स हो गए। फिर से बोले देता हूँ एट क्यूनेप। अब एट क्यूनेप क्या है, ए फॉर हेयर आर्टिकल। अब इन आर्टिकल्स में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, ए एन दी एंड जीरो, जीरो आर्टिकल, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज आर्टिकल्स। डी फॉर आपके होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी कि जो नाउन को इंडिकेट करते हों, ये आपके होते हैं दिस दैट दीज, दीज आपका दिस का प्लूरल होता है और दैट का प्लूरल होता है दोज, सच टाइप ऑफ दैट। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच एवरी आइदर, सच टाइप ऑफ दैट। क्यू फॉर क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स का मतलब हो गया ये वो डिटरमिनर होते हैं जो कि क्वांटिटी को शो करते हैं। ठीक है, अब क्वांटिफायर्स में कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, वो देखिएगा। क्वांटिफायर्स में सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरियस, सेवरल, अ लॉट, मैनी, मच, इस तरह से जो आपके आते हैं वो काय में आते हैं क्वांटिफायर्स में, न्यूमरल, एंड फॉर न्यूमरल्स। अब न्यूमरल जो होते हैं दो तरीके के हो जाते हैं, फर्स्ट वन इज कार्डिनल एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल। अब कार्डिनल जो आपके होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 एंड मैनी मोर। ऑर्डिनल जो होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी हैं। आई फॉर आपके होते हैं इंटरोगेटिव, यानी कि ये आपके वो वर्ड होते हैं इंटरोगेटिव जो कि नाउन के पहले यूज हो जाते हैं। जैसे कि देखो, व्हाट एन आइडिया, व्हाट, विच पेन, विच, हूज हाउस, हूज, तो ये आपके इंटरोगेटिव होते हैं। यहाँ मैं पी फॉर दैट इज पजेस। आप डिटरमिनर अगले कौन से हुए, वो हुए आपके पजेसिव डिटरमिनर्स। पजेसिव जो होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में हम जब पजेसिव एडजेक्टिव को लेते हैं तब वो पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वही आपके पजेसिव डिटरमिनर्स के रूप में यूज आते हैं। जैसे देखिए, माई है, आवर है, योर है, हेज है, हर है, देयर है, ईटीसी। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स हुए। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स में हमने देखा ये होते हैं आपके एड क्यू निप। एड क्यू निप में ए फॉर आर्टिकल्स, ए एंड द एंड जीरो, डिमॉन्स्ट्रेटिव डी फॉर दिस दैट
और दिस का प्लूरल दीज, दैट का दोज. डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी एंड आइदर. क्यू फॉर क्वांटिफायर्स, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरियस, सेवरल, मैनी, मच. तो ये आपके क्वांटिफायर्स. न्यूमरल कार्डिनल होते हैं 1, 2, 3. ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से. इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड, जो बिफोर नाउन यूज होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड. एंड पी फॉर पजेसिव, पजेसिव, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ईटीसी. अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आर्टिकल को, और इसमें सबसे पहले हम लेंगे आर्टिकल ए और एन. तो देखिएगा, डू यू थिंक दैट आर्टिकल कैन बी एडजेक्टिव? डू यू थिंक? राइट डाउन नाउ आर्टिकल्स. इन आर्टिकल्स वी हैव आर्टिकल ए एंड दी एंड जीरो, एंड वी आर हेयर टू डिस्कस ए एंड और डी. इफ वी जस्ट टॉक अबाउट ए एंड और डी, देन ए एंड दीज आर्टिकल्स आर कॉल्ड व्हाट? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. एंड इफ वी जस्ट टॉक अबाउट डी, then that the is called definite articles. Got it? Again, I just make you understand in a simple way. First of all, what is A or N? What is A or N? That is, dekhiye, I have one pen. Full stop. I have one apple. Full stop. Now I have used here one. O-N-E, one. It means एक. अब यहाँ sentence को हम देखते हैं syntax में, तो sentence हमें थोड़ा odd इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ हमने एक number को show किया एक word के माध्यम से. देखिए, one एक ऐसा होता है, ये अगर रुपीस में लिया जाए तो ये आपका काफ़ी इफेक्टिव लगता है. बट बिफोर अ नाउन, इफ आई एम यूजिंग, मैं कहूँ कि आई हैव वन सन, वन सन, तो ये सुनने में भी क्या लगता है? और लगता है. इस कारण से होता क्या है कि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूज़ ले ली जाती है. जैसे कि यहाँ यूज़ लिया गया आई हैव अ पेन, फुल स्टॉप. अ यहाँ यूज़ लिया गया आई हैव एन एप्पल, फुल स्टॉप. एन यहाँ यूज लिया गया आई हैव अ सन, फुल स्टॉप. ओके, तो मीन क्या निकल के आया? जो हम बात करना चाह रहे थे वो ये है कि ए और एन जो होते हैं वो ए और एन आपके क्या हैं? शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशन है. ये ए और एन जो हैं वो क्या हैं? A, N, these are abbreviation. Abbreviation, it means you can say that something like that short form. ठीक है, और किसकी शॉर्ट फॉर्म है? Abbreviation of O-N-E, one, यानी एक. तो A और N abbreviation होते हैं. ठीक है, अब ये A और N जो होते हैं ये काय के काम आते हैं? देखें, इन आर्टिकल का यूज़ जो है वो नाउन जो है उसे इंडेफिनेट करने के लिए किया जाता है. ए एन यूज़ जो हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं क्योंकि ये इंडेफिनेट नाउन जो होते हैं. अब देखिए, मैं आपको समझा दूँ कैसे. इंडेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट, इंडेफिनेट, बहुत टाइम से हम सुनते आए हैं. तो देखिए, इंडेफिनेट, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इंडेफिनेट. इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित हो गया. अब ये आपके, मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ कि ए और एन आपके क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. अब इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों होते हैं पता है? क्योंकि ए और एन ये जो आर्टिकल हैं ये आर यूज्ड बिफोर
किससे पहले आएंगे? ये आएंगे इनडेफिनेट नाउन से पहले, जो अनिश्चित संज्ञाएं होती हैं उनसे पहले।